हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज फिर मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे छोले लिए एक बाउल में और मैंने इनको 4 घंटे भिंगो के रखा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुकर लिया है, कुकर में छोले डालूंगी मैं। इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, मैंने एक तेज पत्ता लिया है, एक छोटी इलायची, 2 ये वाली इलायची, 4 लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, थोड़ी सी चाय पत्ती, ज्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो कड़वी हो जाएगी। देखिए, थोड़ी सी। अब इसको अपन बांधेंगे पोटली बना के इसमें। इससे क्या है, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा और इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। इस पोटली जाएगी कुकर के अंदर, देखिए, और इसमें पानी ऐड करेंगे, खूब सारा, बहुत सारा पानी ऐड करेंगे। इसमें जाएगा नमक, स्वाद के अनुसार जाएगा नमक, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, देखिए बेकिंग पाउडर, और कुकर को सीटी लगने के लिए तैयार कर देंगे। रख देंगे अपन गैस पर। देखिए, अपन ने कुकर रख दिया है, इसमें सीटी आने देते हैं। एक तेज पे आनी चाहिए, तेज आंच पे सीटी, और बाकी की 3 सीटियां धीमी आंच पे। इसे क्या, अपने अच्छे से बजाए जब तक ये पक रही है। चलिए, अपन डो तैयार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने मैदा ली हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे रवा डालेंगे, सूजी। क्या है कि जब अपना फूलता है ना मैदा, तो उसमें क्या है, जब फूलता है एकदम से तो वो बैठेगा नहीं अगर रवा डालती है उसमें तो। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फ्रेश दही ऐड करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेश दही यूज किया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर, अब इसको गूंद लेंगे। देखिए, और इसको क्या है, अपना दो अच्छे से, और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना। देखिए फ्रेंड्स, अपना दो तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इससे क्या है, इस पे परत ना जमे, सूखा ना हो। देखिए, थोड़ा सा ढीला, स्मूथ अच्छा सा रखना है अपन को। देख सकते हैं आप कितना ढीलापन है इसमें, ऐसे ही रखना है। और इसको 2 घंटे के लिए ढक के इसको रेस्ट करने देते हैं। तब तक अपन कुकर में सीटी लग चुकी है, अब बस छोले के लिए तैयारी करेंगे। मसाला कढ़ाई बन, देखिए कढ़ाई रख दी है, गर्म हो चुकी है, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। देखिए, इसमें अजवाइन जाएगी, फिर एक कड़ी तेज पत्ता, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, और मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, मुझे भुजने लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन होंगे। फ्रेश टमाटर लिए हैं, वो मैंने उनका पीस के पेस्ट बनाया हुआ है, जिसको मैंने निकाल लिया, इसको भूजे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ठीक है, अमचूर डालेगा, अमचूर सबसे मेन है, क्योंकि इसमें जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है वो अमचूर से ही खट्टापन आता है। और देखिए, मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली हुई है, और यहाँ पे जाएगा ढेर सारा छोले मसाला। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच छोले मसाले डाले हैं। देखिए, अब इसको पका लेंगे। और देखिए, मैंने छोले जो पकाए थे उसमें जो पोटली है उसका अब कोई काम नहीं है, ये यूजेबल नहीं है, तो इसको बता देंगे अपन। देखिए,
अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। कुछ हमने छोले में डाला था, कुछ मसाले, अब जाएंगे छोले। देखिए इसमें हमने जो पानी डाला था वो भी यूज हो रहा है। अब इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे, कम से कम 15 मिनट। इससे क्या है, सारे मसालों का फ्लेवर वगैरह सब छोले में ऐड हो जाए। देखिए अपना डो अच्छे से रेडी हो गया। और अपन को कोई भी इसके साथ आटा यूज नहीं करना है, कि सूखा उसको यूज करना हो नहीं करना। अब इसके वो पेड़े बना लेंगे उसी हिसाब से। देखिए मैं यहाँ पे पेड़, और जिस आकार में बेलना हो उसमें बेलना है, और ऑयल की मदद से ही बेलना है। और देखिए मैंने यहाँ पे तेल रख दिया है, गर्म हो रहा है, ऐसे ही मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। मैं इसको बेलूंगी, देखिए ऑयल की मदद से ही बेलना है, और जो आकार देना है वही बनाए, आप बना सकते हैं। देखिए मैं बेलती हूँ, देखिए गोल बिल्कुल बेलना है, मैं तो गोल बना रही हूँ, आप जो उसको सेप देना चाहें। पूरा डाल दिया है, देखिए ऊपर तेल करते हुए इसको अपन को फुलाना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए कितना अच्छा फूल के सेक चुका है, और इसको निकाल लेंगे अपन, ऐसे ही सारे भटूरे सेक लेंगे जो आपको सेक देना है, ऐसे ही सारे भटूरे सेक लेंगे। मैंने गोल सेक दिया है, जो भी देना चाहेंगे। देखिए अपने छोले बन चुके हैं, अब इसको सर्व करेंगे। अच्छा कलर और वो आया है, लग रहा है बहुत अच्छा, और इसको गार्निश करेंगे। अपने भटूरे भी बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बने हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।